नमस्कार दोस्तों दोस्तों अपनी आज की ये वीडियो मैं बना रही हूँ आयु एंड पीयूषो को लास्ट वार्निंग देने के लिए। अब इसके बाद से मैं आयु एंड पीयूषो के लिए कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं सीधा का सीधा उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी। मैं चाहती तो पहले भी उनके ऊपर एक्शन ले सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार ऐसे अच्छा नहीं लगता है, मैं एक बार उनको वार्निंग दे देती हूँ। अगर वो वार्निंग देने के बाद भी नहीं सुधरते, अपनी हरकतों को ठीक नहीं करते, देन आई विल टेक अ एक्शन अगेंस्ट दैम। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि उनको एक फाइनल वार्निंग दे दू। वैसे गाइस मैंने उनको एक और सिग्नल दिया था, एक हिंट दिया था उनके अगेंस्ट, मैंने भी थोड़े टाइम पहले वीडियो बनाई थी कि आयु एंड पीयूषो फ्रॉड है। मेरे को लगा था कि मेरी वो वीडियो देखने के बाद आयु एंड पीयूषो थोड़ा सा सुधर जाएंगे, अपने जो है ना अपनी बातों में थोड़ा सुधार ले आएंगे, बट गाइस ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरी वीडियो पे ध्यान भी नहीं दिया, मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। एक तो इतना मेहनत करके इनके अगेंस्ट वीडियो बनाओ, बट गाइस उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया और अपनी हरकतों बिल्कुल भी नहीं सुधारा। सो मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं। क्यों हूं मैं इतने गुस्से में गाइस, आपको आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी सारी बातें एक एक करके। ठीक है, क्योंकि गाइस मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूं। ये जितने भी फैमिली फ्रेंडली चैनल चल रहे हैं ना यूट्यूब पे और कुछ भी बना रहे हैं ये लोग, और ये सोच रहे हैं कि कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं देगा, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पहले तो गाइस मैं आयु एंड पीयूषो को गुस्से में हूँ उनको लेकर, और साथ ही साथ गाइस मैं गुस्से में हूँ फ्लाइंग बीस्ट को लेकर। मतलब फ्लाइंग बीस्ट आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं आपको गाइस फ्लाइंग बीस्ट की हरकत बता दूंगी ना, आप सोचेंगे कि कैसे है फ्लाइंग बीस्ट। फ्लाइंग बीस्ट इतने बड़े हो गए, बताइए मेरे से भी 25 साल बड़े होंगे। वो एक व्लॉग बना रहे थे, व्लॉग में ना वो रश्मि जो उनकी बेटी है उसका कान में ईयर पर्सिंग कर रहे थे, कान में ऐसे पहनाते ना तो उसका कान छेद रहे थे। तो उसमें जो है रश्मि चिल्लाने लग गई, फिर रश्मि को दर्द हो रहा होगा तो रश्मि रोने लग गई, चिल्लाने लग गई, हो गया। अपने पापा को बोलने लग गई कि पापा प्लीज व्लॉग मत करो, मेरे को अनकंफर्टेबल हो रहा है, आप ऐसे व्लॉग मत बनाओ। तो फ्लाइंग बीस्ट कह रहे क्यों ना बनाऊं। पहले गाइस अभी क्लिप देख लीजिए। मम्मी ने इसका खो गया था जो टॉप पहना था, इसके छेद बंद हो रहे हैं। मम्मी दोबारा इसके कान में क्या डाल रही हो, चिल्ली सब बंद हो जाएगा। ये गाइस आपने क्लिप देखी, मतलब वो लड़की वहां पे रो रो के चिल्ला के बोल रही है कि पापा प्लीज ब्लॉग मत बनाओ, लेकिन फ्लाइंग बीच तभी भी ब्लॉग बना रहे हैं। फ्लाइंग बीच आप इतने बड़े हो गए भाई, अपनी बेटी की प्राइवेसी को तो थोड़ा ध्यान रखो। जब वो बोल रही है छोटी सी बच्ची मत बनाओ ब्लॉग, तो मत बनाओ यार। आपको भी पता है कि आपका चैनल रशि के नाम पे चल रहा है, आप जो मर्जी चाहे रशि को करते हुए दिखा देंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। हाँ आपका चैनल तो चल रहा है रशि के नाम पे, वो मैं जान रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी प्राइवेसी का ध्यान ना रखें। अगर वो बंदी बोल रही है कि ब्लॉग मत करो तो मत करो। ठीक है, तो गाइस मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, ऐसा कैसे कर सकते हैं फ्लाइंग बीस्ट। एक बार की अगर सौरभ जोशी ऐसा करते तो मैं मान लेती कि चलो सौरभ जोशी अभी छोटे हैं, 22 साल के, अभी उनके अंदर इतनी अकल नहीं है, लेकिन फ्लाइंग बीस्ट तो इतने बड़े हैं, दो दो बच्चों के पिता है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। गाइस मेरे आंसू भी नहीं रुक रहे थे जब मैंने ब्लॉग का ये पार्ट देखा, बट अभी मैंने अपने आंसू रोक लिया है। खैर गाइस इस चीज को छोड़ते हैं, मैं फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर कभी और वीडियो बना दूंगी डिटेल में अगर आप लोग बोलेंगे तो। वैसे क्या बोलूं यार, मेरे बोलने से क्या फायदा, जब अपनी बेटी की बात नहीं सुन रहे, मैं तो फिर भी किसी और की बेटी हूँ, मेरी तो कहाँ सुनेंगे। खैर गाइस छोड़ो फ्लाइंग बीस्ट को, हम आयु एंड पीयूषो के ऊपर आ जाते हैं। सो गाइस आयु एंड पीयूषो के मैं चैनल पे देख रही हूँ कि लगातार वीडियोस आई जा रही है। जब मार्च का पूरा महीना बीत गया तो पूरे मार्च के महीने में उनके चैनल पे लगातार वीडियोस आती रही। मार्च में उनके चैनल पे लगातार वीडियोस आई है, इसके अलावा अगर हम फरवरी में देखें तो भी लगातार वीडियोस आ रही है। मैं जरा आयु एंड पीयूषो से पूछना चाहूंगी कि क्या आपके एग्जाम नहीं थे मार्च में? अगर मार्च में आपके एग्जाम थे तो क्या आप पढ़ नहीं रहे थे कि आप डेली के डेली वीडियो बना रहे थे? डेली नहीं मतलब दो तीन दिन में, चार दिन में, तो आप वीडियो कैसे बना पा रहे थे? कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें आयु एंड पीयू ना आए हो, सारी की सारी वीडियो में आयु एंड पीयू थे। तो क्या वो मार्च में अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे थे? मैं ये जरा पूछना चाहूंगी। जब अगर आपका पेपर है तो आप पेपर को प्रायोरिटी दो ना यार, वीडियो तो बनती रहेगी, वीडियो तो आपको जिंदगी भर बनानी है, वो एक तरफ है, लेकिन अभी पेपर है तो यार एग्जाम की तरफ बच्चों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बट गाइज इन्होंने एकदम एग्जाम की तरफ ध्यान नहीं दिया, ये लगातार वीडियो शूट करने में रह गए। इसके अलावा फरवरी की बात करें तो ऐसा भी हो सकता था कि भाई हाँ मार्च के पेपर की फरवरी में तैयारी कर लियो बच्चों ने, बट ऐसा कुछ नहीं था, फरवरी में भी लगातार वीडियोज आ रही थी। तो जब लगातार वीडियोज आ ही रही है तो पढ़ने का टाइम इनको कब मिल रहा है, मैं पूछना चाहूंगी। अब ये जो लगातार वीडियोज डाल रहे हैं भाई, मार्च के महीने में सबके एग्जाम होते हैं, जो बच्चे स्कूल में होते हैं तो इनके भी एग्जाम थे, आयु एंड पीयू दोनों के एग्जाम थे, बट ये फिर भी लगातार वीडियोज अपलोड कर रहे थे, जो बहुत गलत बात है। इनकी वजह से बहुत सारे जो दूसरे बच्चे हैं, हमारी गली के भी कुछ बच्चे, हमारे परिवार के कुछ बच्चे, वो बोल रहे थे कि भाई आयु एंड पीयूषो तो वीडियोस डाल रहे हैं, हम इनके वीडियोस देखेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे।
ठीक है, क्योंकि जब ये नहीं पढ़ रहे हैं, जब ये भी लगातार वीडियोस डाले जा रहे हैं, तो हम क्यों फिर पढ़े, हम भी इनकी वीडियोस देखेंगे, हम भी, उनका भी चैनल है छोटा मोटा, तो हम भी अपने चैनल पे वीडियो बना के डालेंगे, क्योंकि ये लोग भी नहीं पढ़ रहे। तो बहुत ही गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे थे बच्चे, मेरे को नहीं पता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मुझे इस चीज से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ बच्चे इन्फ्लुएंस तो हुए और गलत तरीके से हुए, क्योंकि बच्चों ने एकदम पढ़ाई लिखाई छोड़ दी कि भाई जब आयु एंड पीयूष नहीं पढ़ रहे हैं तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा है कि भाई बच्चों बच्चे उनके साथ यू नो उन्हें पसंद करते हैं, उनके साथ कनेक्ट करते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका एग्जाम है तो एग्जाम में आप जो है पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और उसके बाद आके वीडियो बनाइए। यार एक महीना वीडियो नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रुचि एंड जो आपके मम्मी पापा के चैनल है उस पर लगातार वीडियोस आती रहेंगी, बट आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके गाइस, तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है आयु एंड पीयूष के बारे में, वो जो बातें हैं ना वो कुछ और बंदे बोल रहे थे अपने चैनल पे वीडियोस डाल के कि आयु एंड पीयूष का पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, वो जो है लगातार वीडियोस डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पढ़ते तो है ही नहीं ये दोनों बच्चे। तो ऐसे जितने भी लोग बातें बोल रहे थे, मैं जरा उनसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या पता कि वो नहीं पढ़ते, अगर अपने पूरे दिन में से थोड़ा सा टाइम निकाल के वो वीडियो बना रहे हैं तो बाकी टाइम वो पढ़ रहे होंगे ना यार, आप उनके घर पे जाके थोड़े देख रहे हैं, आप तो बिना बेतुकी सर पैर के उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आयु एंड पीयूष पढ़ते नहीं है। और मतलब ये बहुत गलत मुझे बात लगी, जो भी लोग ऐसा बोल रहे थे कि आयु एंड पीयूष पढ़ते नहीं है, आपने थोड़ी देखा है उनको ना पढ़ते हुए। तो मेरे हिसाब से ऐसे बोलना किसी भी बच्चे के बारे में कि वो पढ़ते नहीं है, वो बहुत गलत बात है। आपने किसी के घर पे जाके नहीं देखा, हो सकता है वो पूरी रात पढ़ते हो भाई, है ना, तो वो उनकी मर्जी है। और जहां तक वो वीडियो डालने की बात है तो वो वीडियो डाल रहे हैं, अच्छी वीडियोस डाल रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ वीडियो डाल भी रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से तो वो हमेशा पढ़ाई करते हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा बहुत समझदार है, फ्लाइंग बीच जैसे तो डेफिनेटली नहीं है। तो वो भी उनको समझाएंगे अपने बच्चों को कि भाई हाँ तुम पढ़ो, पढ़ाई बहुत जरूरी है, एग्जाम देना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से वो लगातार पढ़ रहे थे, बट कुछ लोगों को गाइज ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई और वो आयु एंड पीयूष के खिलाफ बोलने लग गए। तो मैंने अब फैसला किया है कि जितने भी लोग आयु एंड पीयूष के अगेंस्ट बिना सर पैर की बातें बोलते हैं, मैं उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली हूँ, क्योंकि लोग बहुत गलत बोल रहे हैं। लोग ये भी नहीं सोच रहे हैं कि भाई आयु एंड पीयूष छोटे छोटे बच्चे हैं, एटलीस्ट हम उनके खिलाफ ना बोले, मेरे खिलाफ तो ये लोग बोलते ही हैं, चलो मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो एक बार के लिए झेल लेती हूँ ये सारी हेट और ये सारी बातें, बट आयु एंड पीयूष दोनों ही के दोनों छोटे बच्चे हैं, तो मेरे हिसाब से उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए, बट लोग फिर भी बोलते हैं। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से एक्शन ले सकते हैं। आयु एंड पीयूष को ज्यादा टाइम नहीं है कि हर एक चैनल पे एक्शन ले, तो गाइस मैं एक्शन लेने वाली हूँ। जितने भी लोग आयु एंड पीयूष के अगेंस्ट वीडियो बनाएंगे, गलत गलत बातें बोलेंगे, उनके अगेंस्ट मैं एक्शन लूंगी, आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे झूठ मूठ का कि आयु एंड पीयूष ने हमें कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया, जबकि कोई सबूत नहीं दिखा रहे थे, ईमेल दिखाओ ना कहां दिया है कॉपीराइट स्ट्राइक, तो बिल्कुल झूठी झूठी फेक वीडियोस बना रहे थे, उनके अगेंस्ट में भी एक्शन लूंगी पुलिस में, गाइस मैं उनकी रिपोर्ट करूंगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फेक वीडियोज ये लोग बना रहे हैं। और सिर्फ आयु एंड पीयूष नहीं, माय मिस अनंत के अगेंस्ट भी अगर ऐसी फेक वीडियो बनेगी तो मैं एक्शन लूंगी, क्योंकि वो सब छोटे यूट्यूबर्स है, छोटे मतलब छोटे बच्चे, वैसे तो बहुत बड़े यूट्यूबर्स है मगर उम्र में छोटे हैं, तो मेरे हिसाब से छोटे बच्चों के बारे में जो नाबालिग है उनके बारे में इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, और जो करते हैं उनके खिलाफ तो एक्शन होना ही चाहिए। तो गाइस बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी, और ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं काफी गुस्से में हूँ फ्लाइंग बीस्ट को लेकर, और मेरे हिसाब से फ्लाइंग बीस्ट अब आपको सुधर जाना चाहिए यार, आप बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, आप ऐसे चीजें करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है, प्लीज अच्छा नहीं लगता आपको, इतने लोग फॉलो करते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ, थैंक यू सो मच।